क्योंकि मैं शुरू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। सुमुल के साथ बैठी हुई निमृत को कर दिया प्रियंका ने टीना के सामने एक्सपोज। चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गैज वहां पर सुम्बुल और निमृत जो है डिस्कशन रूम में बैठे होते हैं और उसके ऑपोजिट जो है बैठी होती हैं टीना और प्रियंका। हालांकि हमें ये चीजें दिखाई तो नहीं गई है, पर प्रियंका ने काफी सारी चीजें एक्सपोज की है जिससे ये चीजें हमें पता चली है। पहले जो है निमृत के साथ सौंदर्या बैठी होती है डिस्कशन रूम में, वहीं पर जो है शालिन भी आके बैठ जाते हैं और काफी सारी बातें करने लग जाते हैं। हालांकि ये बातें करने के बाद जो है शालिन वहां से उठ के चले जाते हैं और शालिन किचन एरिया में जाके अकेले बैठ जाते हैं और वहां पर सुम्बुल भी आ रही होती है। तो वहां पर जो है निमृत इसको सौंदर्या को बोलती है कि तू जा, जाके शालिन अकेला है उसके साथ जाके बात कर, वहां पर बैठ। जहां पर सौंदर्या जो है सीधा किचन में जाती है और शालिन के साथ बात करने लग जाती है खाना बनाते हुए। इसी बीच में इन सब चीजों को देख रही होती है प्रियंका और प्रियंका जो है बोलती है टीना को कि देखा उसने क्या सब चीजें की। तो टीना बोलती है कि क्या उसने बोला कि जैसे ही यहाँ पर शालिन अकेला बैठ गया तो इसने निमृत ने जो है सौंदर्या को भेज दिया और ये सब चीजें इसलिए कर रही है क्योंकि शालिन की हमसे बात नहीं हो रही ना वोटिंग लेने के लिए कि हाँ भाई मेरे साइड हो जाएगा, तो उसको अपनी साइड करना चाहती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी शालिन जो है निमृत की साइड हो चुकी है, निमृत का नाम उन्होंने कैप्टनसी के लिए ले ही लिया है। तो वहां पर प्रियंका की भी काफी ज्यादा धमासान लड़ाई जो है शालिन के साथ हुई है। तो ये चीज जो प्रेडिक्ट की है प्रियंका ने, जो एक्सपोज किया है निमृत को, क्या आप लोगों को लगता है कि सही प्रेडिक्ट किया है, सही एक्सपोज किया है, ऐसी ही है निमृत? जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।